डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के सदस्यों की कोरोना के साथ लगातार जंग जारी है। सैकड़ों सदस्य इस महामारी के समय में पूरे जोर शोर से अपनी पंचायत और गांव में डॉक्टर साहब की मेडिकल नॉलेज का फायदा लेकर सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि बीमारी का विषाणु लोगों से दूर रहे। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ क्लब के सारे सदस्यों का जो हर अपनी पंचायत में जाके वो सैनिटाइज कर रहा है। हम तो केवल उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और ग्लव्स और मास्क और जहाँ पे पंप की ज़रूरत है वहाँ पंप प्रोवाइड उनको करवा रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ही है कि कम्युनिटी स्प्रेड की जो खबरें आ रही हैं उसके बाद से ज़रूरी है कि हम उन जगहों को ज़रूर सैनिटाइज करें जहाँ पर ज़्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है, जैसे कि हमारे राशन के डिपो हैं, सब्जी की दुकानें हैं, करियाना की दुकान है, या वो रास्ते जहाँ पे 7 से 10 के बीच जो है ज़्यादा चहल पहल रहती है। तो मैं इन सब लोगों को जो लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट है वो हम कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्लब के इनके सब सदस्यों को प्रोवाइड करूँ, और किसी भी तरह की टेक्निकल या मेडिकल हेल्प किसी को, जैसे बुजुर्गों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं तो हम उनको अटेंड कर रहे हैं और उनको दवाई उनको दे रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा गाँव में थोड़ी मुश्किल हो रही है, जो BP हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ जो लोग खाते हैं, जो रेगुलर खाते हैं, उनमें थोड़ा सा ज़रूर उनको थोड़ी लेने में समस्या हो रही है। तो वो भी हमारे क्लब के सदस्य जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बधाई देता हूँ। वो इनको प्रक्योर करवा रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं मेडिसिन्स की भी। पिछले 4-5 दिनों से कम्युनिटी स्प्रेड की खबरें आने लगी तो क्लब के पूरे जिला के सदस्यों ने अपनी पंचायतों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया, जिसके चलते क्लब के सदस्यों के द्वारा पंचायत को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक हमीरपुर की 9 से 10 पंचायतों का दौरा करके सदस्य सैनिटाइज कर चुके हैं। ये जो डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब है, इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है छिड़काव का, सैनिटाइजेशन का, हर वार्ड में किया जा रहा है, बहुत ही अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। और इनके द्वारा साथ में ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से इन चीजों से, मतलब कोरोना से बचा जा सकता है। घर में रहिए और आपसी दूरी बना के रखिए, इस चीज से आप लोगों को ही फायदा होगा, हमें फायदा होगा, देश को फायदा होगा। जैसा कि आपको विदित है कि एक महामारी पूरे देश में विदेश में फैली हुई है, जिससे काफ़ी लोग संक्रमित हुए हैं और डेथ्स भी हुई हैं, उसके लिए अवेयरनेस ड्राइव भी चलाई जा रही है और सैनिटेशन कैंपेन भी की जा रही है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने जिसे गांव दूरी में इसका जिम्मा लिया हुआ है, और लोगों से यही अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घरों पर ही रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जो जो सरकार हिदायत दे रही है उसको लेटर इन स्पिरिट में फॉलो करें। धन्यवाद। हमारे फैन क्लब के थ्रू जो सैनिटाइजेशन कराई जा रही है पक्कापुरों में, हमारे एरिया में, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उम्मीद करते हैं कि लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनका पालन करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके अंतर्गत जो हमारे पंचायत में मास्क बांटे जा रहे हैं, फिर ये आज हमारे घर में सैनिटाइजेशन का काम चला हुआ है, तो सैनिटाइजेशन सब जगह इन्होंने की, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे कोरोना को ख़त्म करने में सहायता मिलेगी, और मैं सभी गांव वालों से भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने आप इनको बताव जा करके, जहाँ जहाँ आपको शक होता है कि कोरोना महामारी फैल सकती है, वहाँ पर सैनिटाइज जरूर कराएँ। मेंबर्स ने हमारे घर में दवाई का छिड़काव किया, जिससे कि COVID-19 के बचाव होगा, तथा इस पूरी कॉलोनी में इन्होंने हमारे यहाँ पे दवाई का छिड़काव किया, जिससे कि हम सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। क्लब के सदस्यों का कहना है कि हमने चेन बना ली है और हम युवाओं की चेन, इस कोरोना की चेन को तोड़कर ही दम लेंगे। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब का महासचिव संजीव शर्मा बोल रहा हूँ मैं। हमने अपनी दूरी पंचायत को, सारी पंचायत को सैनिटाइज कर दिया है, घर घर जाके किया है, और हम बहुत आभारी हैं, और हम आगे भी अपने लड़कों के साथ हर वार्ड से, हर पंचायत से लड़कों को निकाल रहे हैं और उनको दवाई और पंप उपलब्ध करवा रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा घर होगा जिसको हम छोड़ेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि कोरोना को हमीरपुर से भगाना है। आपने अभी तक कितनी पंचायतों में सैनिटाइज कर चुके हैं? हमने 16 पंचायतों में हमने सैनिटाइज कर दी हैं, जो जो कि घर घर जाके की हुई है।
अभी कितने पंचायतें बची अभी और करने को? अभी 25-30 पंचायतें और हैं करने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ती हैं। गौरतलब है कि इस फैन क्लब के सदस्य के द्वारा अब तक ग्राम पंचायत धनेड़, तलाशी, ग्राम पंचायत खरवाड़, भोरंज पंचायत के शासन और ग्राम पंचायत दुड़ूही को सैनिटाइज का कार्य किया गया है। क्लब के अध्यक्ष धर्मेश राणा, अश्विनी कुमार, संजीव शर्मा ने बताया कि क्लब के सदस्यों के समूह ने अपनी अपनी पंचायत के गांव में छिड़काव करते हुए लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी किया है और लोगों से आह्वान किया है कि अगर बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।